The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, myth. लोगों को अगर आपने कभी च्युइंगम निगल ली, मान लीजिए आपने च्युइंगम निगल ली, तो क्या वो आपके पेट में रह जाएगी, क्या वो कभी डाइजेस्ट ही नहीं होगी, क्या होगा उस च्युइंगम का, पहले तो ये बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने च्युइंगम की कहानियाँ सुनी है कि वो पेट में फंसी रह जाती है, बर्गरों की कहानी सुनी है कि बर्गर खाओगे तो वो सड़ा सड़ा पेट में घसड़ता रहेगा, गलता रहेगा. क्वाइट फ्रेंकली ऐसा कुछ नहीं है. जब आप एक च्युइंगम खाते हैं और वो च्युइंगम आपके पेट में चले गई, तो वो इट बेसिकली आपके पेट से जब नीचे जाएगी तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं. उसमें गम है, उसमें शुगर है, उसमें कोई और स्वीटनर हो सकता है, उसके अंदर कोई फ्लेवर हो सकता है. तो उसमें से जो जो चीज़ डाइजेस्ट हो सकती है, जो स्वीट है, जो शुगर है, जो फ्लेवर है, जो सब कुछ है, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगी. लेकिन वो च्युइंगम वहीं के वहीं फंसी नहीं रह जाएगी, वहीं कहीं चिपकेगी नहीं, क्योंकि आपके पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में अंदर, मुंह के अंदर आपका सलाइवरी म्यूकस है. यहाँ म्यूकस है, अंदर पूरा म्यूकस भरा पड़ा है. वो एकदम स्लिपरी म्यूकस है, स्लिपरी म्यूकस है. जिस तरह आपके मुंह में च्युइंगम नहीं चिपकती, मुंह के अंदर च्युइंगम नहीं चिपकती, वैसे इंटेस्टाइन में च्युइंगम नहीं चिपकती. और च्युइंगम जो है, जैसे जैसे आप खाना खाते हो, वो खाने के साथ आगे बढ़ती जाएगी, खाने के साथ आगे बढ़ती जाएगी, और 30 से लेके 50 घंटे के अंदर, मतलब अगले 2 से 3 दिनों में, कुछ ही दिनों में, अपने आप वो लैट्रिन के रास्ते बाहर आ जाएगी. यही काम होता है हर एक बर्गर का, यही काम होता है हर एक, इवन अगर आपने कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई कॉइन ले लिया, कॉइन खा लिया, तो भी इसके साथ यही अंजाम होगा. अनलेस एंड अनटिल वो कॉइन सांस की नली में गया हो, वो च्युइंगम सांस की नली में गया. अगर वो सांस की नली में चला गया, अगर आपने उसको निगलने की जगह उसको सूंघ लिया, जैसे बोलते बोलते कभी खाना पानी कुछ सांस की नली में जाता, एकदम खांसी आ जाती है, तो सांस की नली में कुछ जाना डेंजरस है. चाहे वो खाना हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ डेंजरस होता है. ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, सांस रुक सकती है, जान जा सकती है. लेकिन पेट में जाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना आपको बताया जाता है. लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें खाने वाली नहीं है, तो इसको खाना भी नहीं चाहिए. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको च्युइंगम नहीं खानी चाहिए. और लेकिन च्युइंगम जो है आपके पेट में फंसी भी नहीं रह जाती, राइट. ये बहुत बड़ा डाइजेस्टिव मिथ है. इसके बाद जो दूसरा नंबर का मिथ है, कई लोगों को लगता है हम स्पाइसी फूड खाएंगे तो हमें अल्सर हो जाएगा, छाला हो जाएगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, राइट. जो जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को स्पाइसी फूड खाने से अल्सर हो जाता है, उनको यही नहीं पता कि स्टमक के लाइनिंग में, स्टमक के अंदर एसिड होता है, लेकिन वहाँ म्यूकस भी होता है. वो म्यूकस HCl जैसे खतरनाक एसिड को हैंडल कर सकता है, थोड़े से स्पाइसी फूड को भी करेगा, लेकिन वहाँ पे जो अल्सर्स होते हैं वो स्पाइसी फूड से लेने देने से नहीं होते. ऑब्वियसली स्पाइसी फूड खाने से स्टमक का टेम्परेचर बढ़ सकता है, राइट, दैट इज वन थिंग. लेकिन स्टमक के अंदर H. pylori नाम का एक बैक्टीरिया होता है, राइट. H. pylori एक तरीके का बैक्टीरिया है जो स्टमक के लाइनिंग में रहता है. और जब आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा B12 की कमी कुछ हो जाए, या कोई स्टमक के अंदर बीमारी हो जाए, तो ये क्या करती है, ग्रो कर सकता है वहाँ पे. तो एच पायलोरी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो आपके अंदर अल्सर्स बन जाते हैं. और इवन जो एंटासिड ज़्यादा लंबे समय तक लेने से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि आपके B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, और ख़ुद से पेन किलर लेने से भी अल्सर्स हो जाते हैं, रिमेंबर दैट. और फूड जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जैसे कि स्पाइसी फूड, यानी कि मसालेदार खाना, अल्सर करेगा नहीं, लेकिन अल्सर को जलाएगा ज़रूर, अल्सर को जलाएगा जरूर, क्योंकि अल्सर बन चुका है. उस अल्सर के ऊपर आप स्पाइसी फी नमक लगाओगे तो जलेगा जरूर, लेकिन नमक खा लेने से मुंह में अल्सर नहीं होते जनाब, ये बात याद रखिए. तो कारण कुछ और है और हिसाब किताब कुछ और है, तो आपको समझना ज़रूरी है. फिर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का,
राइट। और कई लोगों को लगता है कि नट्स खाएंगे, पीनट्स खाएंगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी, पॉपकॉर्न खाएंगे, सीड्स खाएंगे, नट्स कॉर्न खाएंगे, स्ट्रॉबेरी तो आपके आपको पेट खराब हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नट्स और ये बल्कि एक अच्छा फाइबर होता है, इसमें बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो नट्स खाना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अल्सर्स की बात हो रही थी, दारू पीने से भी अल्सर्स होते हैं, अगर आप दारू पीते हो तो अल्सर्स बिल्कुल हो सकते हैं। अब कई लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि हमने बीन्स खा ली, राइट, बीन्स खा ली तो वो सबसे ज़्यादा गैस करेगी ना, राजमा खा लिए तो गैस करेंगे, दूसरी चीज़ें खा लेंगे तो गैस नहीं करेंगे, लेकिन राजमा खाएंगे और दूसरी और कुछ खाएंगे तो गैस, इसके पीछे का क्या है? सी, नट्स बीन्स आपके कहा क्या है कि चलिए, ऐसा नहीं है कि बीन्स से सबसे ज़्यादा गैस होती है। क्वाइट फ्रैंकली अगर आपको इशू है लैक्टोज से, तो सबसे ज़्यादा गैस होती है दूध से, जिनको दूध से गैस होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो थोड़ा सा भी दूध लेते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा इशू जो जिन लोगों को होता है गैस का, उनको बीन्स, राजमा एंड ऑल वो सब तो देखना ही पड़ती है, साथ में दूध देखना ज़रूरी है। तो कई लोग क्या करते हैं, बीन्स वीन्स बंद कर देते हैं, दूध वूध बंद नहीं करते, इसलिए उनको ब्लोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि बीन्स गैस कर सकती है और फ्रूट्स गैस कर सकते हैं, तो उनकी क्वांटिटी कम रखिए जब भी खाते हैं, दूध की भी बीन्स की भी क्वांटिटी कम, एक बार में भर भर के राजमा नहीं खाने हैं, राइट, ऐसा बात याद रखिए। उसके बाद और भी सारे कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे को मोशन सही आते हैं, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे को छाती का दर्द जो है उसमें आराम हो जाता है। ये बहुत ही बकवास चीज़ है, सिगरेट पीने से मोशंस आते हैं तो मैं सिगरेट पीता रहूँगा, क्वाइट फ्रैंकली ऐसा कुछ नहीं है। स्मोकिंग की जो हैबिट है वो आपका एसिडिटी बढ़ाएगी, गैस करेगी। और जो सिगरेट में निकोटीन है, निकोटीन एक्चुअली क्या करता है, आपके स्टमक के ऊपर की कुछ मसल्स को रिलैक्स करता है, पूरे के पूरे नीचे के इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है निकोटीन, स्मोकिंग नहीं। अगर आप निकोटीन च्युइंगम लेंगे तो भी काम होएगा, लेकिन निकोटीन का मेन काम है मोशंस में, स्मोकिंग में कुछ नहीं है। लेकिन स्मोकिंग के वजह से और निकोटीन के वजह से आपको रिफ्लक्स नहीं होगा, वो एक चीज़ है, क्योंकि आपका जब ऊपर की स्टमक का मसल रिलैक्स होंगी ना, स्टमक है, स्टमक के ऊपर की मसल रिलैक्स होंगी तो ऊपर आने के लिए जगह कम हो जाएगी, तो उनको लगेगा कि मेरा रिफ्लक्स जो है, हार्ट बर्न है, वो नहीं होता जब जब मैं सिगरेट पीता हूँ, जब जब मैं ये करता हूँ, लेकिन वो निकोटीन के वजह से है, वो और किसी चीज़ के वजह से नहीं है। और अगर आप उसको टैकल करना चाहते हो, आप सिर्फ थोड़ा सा कम खाना खाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, एक बार में कम खाना खाएंगे तो भी हो जाएगा। हाफ नॉलेज इज़ बैड, तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, डोंट गो फॉर स्मोकिंग, गो फॉर हेल्दी थिंग्स, रिमेंबर दिस, राइट। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक और सोचने वाला। कई लोगों को लगता है, दूसरा एक और मिथ है कि फाइबर जो है, फाइबर बहुत अच्छा है तो जितना मर्जी खा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइबर जो है ये आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अराउंड 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको डेली चाहिए। अगर आप नॉर्मल मात्रा में देखेंगे तो आप 15 ग्राम खा रहे हो अभी, तो आपको फाइबर डबल कर सकते हो, लेकिन अगर आप 4 गुना 3 गुना कर दोगे तो फाइबर भी आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो एक लिमिटेड मात्रा ज़रूरी है फाइबर की, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको अपनी बॉडी की बात सुननी है, ये नहीं कि फाइबर अच्छा तो मैं फाइबर ही फाइबर खाऊंगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर थिंग्स, राइट। कई लोगों को लगता है कि अब मेरे को हार्टबर्न होता है, मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं ना लेटे लेटे नहीं सोऊंगा, मैं बैठे बैठे सोऊंगा। ये भी गलत मिथ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको लेटे लेटे नहीं बैठे बैठे सोना है। क्या हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको लेटे लेटे सोना है, बैठे बैठे सोना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप खाना खाते हो उसके एक घंटे तक लेटना नहीं है। अगर आप उसके एक घंटे तक नहीं लेटेंगे तो बहुत सिंपल सा रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप सर को थोड़ा एलिवेट रखेंगे 4 इंच के लिए तो भी काफ़ी है, सर को थोड़ा एलिवेट रखेंगे 4-6 इंच सिर्फ सर को तो भी काफ़ी है, आपको रिगर्जिटेशन नहीं होगा, इतना कर लेंगे तो भी बहुत है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, और मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर बात करूँगा, राइट। आपने सवाल ज़रूर लिखिए, एक फ़ोन कॉल करना पड़ेगा।